वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं रिव्यू, ये देखिए अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम। आज किसकी? आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सीगेट 4TB बाराकूडा की। ये देखिए ऐसे पैकिंग आती है, जब कोई महंगा आइटम आता है तो उसे ऐसे पैकिंग की जाती है आजकल अमेजन की तरफ से। ये मैंने इसको काट के रख लिया है आपके लिए, ठीक है। ये इसके साथ ये आया है, एक छोटा सा बिल आया है जो हो सकता है आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट बता दूंगा। ये है, इस तरीके से आती है ये पैकिंग, आप देख सकते हैं, सीगेट 4TB बाराकूडा साटा, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये सिंपली इस तरीके से दिया हुआ है, ये आप देखें तो आप देख सकते हैं, ये है कम्प्लीटली 4TB ड्राइव। आप इसको बाहर से भी देखेंगे तो ये 4TB दिख जाएगी आपको। मैं इसको निकाल लेता हूँ और ये सिंपली ये क्या आता है इसमें आप देख सकते हैं, आपको इसको आराम से निकालना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये देखिए, ये है 4TB ड्राइव, इसको ध्यान से पकड़ना है। ये देखिए सीगेट बाराकूडा कंप्यूट की 4TB की ड्राइव है ये ओरिजिनल, आप देख सकते हैं। इसके वोल्टेज भी लिखा हुआ है, इसमें कई डिटेल्स दी हुई है, साटा ड्राइव है ये, और इसके कुछ मॉडल नंबर हैं, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, ये सब कुछ इससे पता किया जा सकता है ये बार कोडिंग के द्वारा। तो आप देख सकते हैं इसकी, ये इसकी ड्राइव्स हो गई, साटा ड्राइव और कनेक्टर हो गए यहाँ पे, जहाँ हम इसको कनेक्ट करेंगे SMPS से। ये देखिए इस तरीके से यहाँ भी सीरियल नंबर है, ये इस तरीके से देखेंगे तो देखिए आप, यहाँ पर भी इन्होंने अपना बार कोड दिया है, इस बार कोड से भी आप पता कर सकते हैं। तो दिखने में ऐसी दिखती है, और यहाँ इसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस दी हुई है, आप की स्पेसिफिकेशंस भी देख सकते हैं, HDD सीगेट साटा TB बाराकूडा, इसका मॉडल नंबर कौन सा है, बाराकूडा का, और ये 7000 है इसका RPM। और आप देख सकते हैं कई चीज़ें हैं, इसकी रेट भी लिखी हुई है, 15000 रुपीज़ लिखी हुई है इसकी रेट। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक ड्राइव आई है, ये है सीगेट की। तो मैंने काफ़ी इसको रिसर्च की थी कि मुझे ड्राइव चाहिए थी, तो मेरे पास ऑलरेडी 2TB की थी दोस्तों, लेकिन आजकल आप 4K कंटेंट ले रहे हैं तो आप जानते हैं कि 4K कंटेंट में कम से कम 20GB की एक फ़िल्म होती है, तो 20GB से 40GB के बीच में अगर आपकी फ़िल्म आती है या कोई वीडियो आता है तो उसके लिए आपको बड़ी ड्राइव चाहिए। तो इस बार मैं 2TB के स्थान पर गया हूँ 4TB, क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे काफ़ी वीडियोज़ की ज़रूरत होने वाली है, YouTube के लिए भी और अन्य किसी पर्पज में भी, तो उस वजह से मैंने ये ड्राइव लिए। तो इसकी क्वालिटी तो सही लग रही है, ये देख लीजिए मेटल से है, पीछे साइड में प्लास्टिक है, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हम देख नहीं सकते, इसको चला के देखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इस ड्राइव को, मैं सीगेट को पहले काफ़ी वर्षों से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 10-15 सालों से, पहले भी मेरे पास सीगेट थी, फिर उसके बाद मैंने एक्सटर्नल ली, वो भी सीगेट थी, इस बार ये इंटरनल ली है मैंने 4TB की सीगेट की। तो मेरे को सीगेट पे हमेशा भरोसा रहा है कि सीगेट एक अच्छा प्रोडक्ट देता है और अच्छी स्पीड के साथ, इसकी मेंटेनेंस भी नहीं होती और काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे यूं ही जुड़ते रहें मुझसे। थैंक यू।